हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रशिया की मैपिंग के बारे में, ठीक है, कि रशिया से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है और रशिया से हमारे संविधान वगैरह से भी क्या रिलेशन है, इससे भी जुड़े हुए बातें हम करेंगे, ठीक है। और पॉलिटिकल चीज़ों से भी, जो रशिया जैसे मान लो किसी ग्रुप में है तो इंडिया के साथ क्या कोलाबरेशन है रशिया का, ऐसे चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए। चलो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। मान लो हमने क्या है, रशिया है, ठीक। जो रशिया है पहले, आज हम इसको रशिया बोलते हैं, लेकिन इसके पहले जो है बहुत जो है कुछ सालों पहले इसको रशिया नहीं, हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे, ठीक है। यूएसएसआर, यूएसएसआर में कितने टोटल कंट्रीज थे, तो टोटल वहाँ पर थे 15 देशों का एक समूह था जिसे हमने क्या कहा था, यूएसएसआर, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी नहीं होने की वजह से 1991 तक जो है यूएसएसआर था, लेकिन 1991 में डिस्प्यूट होने की वजह से ये जो यूएसएसआर था ये टोटल 15 देशों में टूट गया, ठीक। और उन 15 देशों में सबसे बड़ी कंट्री निकल कर आई रशिया, ठीक। जो कि जो रशिया है वो अगर हम एरिया के हिसाब से बोलें तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री है कौन सा, रशिया, ठीक। रशिया है कहाँ पर, अब इसकी पोजीशन हम देखेंगे। तो ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशियन है, ठीक। ईस्ट में इसकी क्या है, पैसिफिक ओशियन। साउथ में क्या है, साउथ में दो कंट्रीज हैं, ईरान और टर्की, ठीक, ईरान और टर्की। और अगर वेस्ट में आते हैं तो इधर क्या है, इधर पड़ता है इधर कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ठीक है। और इधर क्या है, बाल्टिक सी। तो इसकी पोजीशन आपको समझ में आए, पोजीशन वर्ल्ड मैप पे आपको समझ में आए कि रशिया की पोजीशन है कैसी। नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशन। ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन। साउथ में क्या है, ईरान और टर्की दो देश है। उसके बाद साउथ में इससे एक्सटेंशन मतलब कि विस्तार इसका हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साउथ में ईरान और टर्की तक ये फैला हुआ है। अगर वेस्ट की तरफ आते हैं तो ब्लैक सी, कैस्पियन और बाल्टिक सी, इन इतना जो है एरिया है पूरा वो मैप में रशिया का, ठीक है। जिसको हमने क्या कहा, पहले कहा था यूएसएसआर, लेकिन 1991 में डिस्प्यूट होने की वजह से ये 15 देशों में टूट गया, ठीक। अब देखो रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को, ठीक। उसके बाद इसकी करेंसी क्या है, रूबल। करेंसी क्या है इसकी, रूबल, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक। उनका नाम क्या है, पुतिन, जिन्होंने खुद को जो है 2036 तक के लिए वहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खुद ही, और जैसे वो बोलते हैं ना कि जैसे हमने क्या किया कि सभी लोगों से जन्मत लिया, ठीक। जन्मत लेने के बाद उन्होंने खुद को 2036 तक वहाँ का राष्ट्रपति घोषित करके रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो रशिया से जुड़ा हो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ध्यान से सुनना। रशिया जो है वहाँ पर एक पैसिफिक ओशन जो है, ये वाला पैसिफिक ओशन, पैसिफिक कोस्ट पे जो यानी कि तट पे एक सिटी है जिसका नाम क्या है, व्लादिवोत्सोक, ठीक है। क्या नाम है, व्लादिवोत्सोक, ठीक। तो ये आपसे पूछा जाता है कि व्लादिवोत्सोक नाम की जगह कहाँ पर है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा कि व्लादिवोत्सोक कहाँ पर है, रशिया में है। लेकिन आप अगर नए होंगे या फिर आपने शुरुआत अभी की होगी तो थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन होगा, पर कोई बात नहीं है, अगर आप जो है डेली आप रूटीन में बनाकर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो व्लादिवोत्सोक कहाँ पर है, रशिया में तो है लेकिन कौन से कोस्ट पर है, तो पैसिफिक ओशियन के कोस्ट पर स्थित है, ठीक। क्या, व्लादिवोत्सोक। और यहीं का एक पेनिनसुला है जिसको हम कहते हैं कोला पेनिनसुला, ठीक है। आप अगर मैप में, वर्ल्ड मैप में लोकेशन देखना तो यहाँ पर पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, कोला पेनिनसुला, कोला प्रायद्वीप, ठीक। प्रायद्वीप हम किसे कहते हैं, कोई एक लैंड बॉडी है, ठीक, जिसके तीन तरफ क्या है, पानी है, तो उसे हम कहते हैं पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। जैसे इंडिया है, इंडियन पेनिनसुला हम कहते हैं। तो नीचे साउथ में क्या है इंडियन ओशियन है। ईस्ट की तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल। और वेस्ट की तरफ क्या है, अरबियन सी। तो हमने क्या कहा, उसको तीन तरफ से वाटर बॉडी लग रही, इसलिए हमने उसको क्या कहा, प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला, ठीक है। अब देख लेते हैं कि रशिया से जो है, देखो जो इससे 15 देश अलग हुए थे, इनमें जो है जैसे सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हो गई, बाल्टिक कंट्रीज हो गई, तो ये सब कंट्रीज इससे अलग हो गई। यूक्रेन हो गया, अभी देखो यूक्रेन और रशिया का डिस्प्यूट चल रहा है, क्यों, देखो ये जो है इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। G8 बनाया गया था, ठीक,
G8 में जो है रशिया भी शामिल था, लेकिन 2014 में क्या किया कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉर्डर है वो लगता है ब्लैक सी से, तो वहाँ पर ऑयल और मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए और ब्लैक सी में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए रशिया ने उस पर अटैक कर दिया, ताकि जो है वहाँ पर उसकी प्रेजेंस रहे और यूएसए वहाँ पर ना आए। ठीक, तो इसी वजह से उसने यूक्रेन पर अटैक किया 2014 में। उसके बाद क्या हुआ कि G8 से रशिया को अलग कर दिया गया और बन गया G7। ठीक, अब उसके बाद थोड़े से हम देख लेते हैं कि रशिया से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, रशिया से हमारे संविधान में क्या क्या अडॉप्ट किया गया है। तो हम जो देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में रशिया से ही अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी उसके लिए अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 51A यानी कि आर्टिकल नंबर 51A, इसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, वो रशिया से ही अडॉप्ट किए गए हैं हमारे मौलिक हमारे संविधान में। ठीक है, और अगर कुछ और भी बातें करते हैं रशिया से, तो रशिया जो है ब्रिक्स का भी पार्ट है, यानी कि ब्रिक्स का मतलब क्या है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स का भी पार्ट है रशिया। ठीक है, और अभी रशिया और चाइना ने आपस में मिलकर जुदापुर नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप किया है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि रशिया में डेवलप हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है रशिया से। उसके बाद और भी पॉइंट अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपसे रशिया से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, रशिया में ही एक लेक है जिसका नाम क्या है, लेक बैकाल। ये जो लेक बैकाल है ये जो है पूरी दुनिया की सबसे गहरी लेक मानी जाती है। ठीक है, लेक बैकाल। और उसके बाद और भी पॉइंट है, तो ट्रांस साइबेरियन एक जो है जैसे बना हुआ है जैसे, हाँ, और एक पॉइंट और है कि रशिया को अगर हम इधर से वेस्ट की तरफ से देखें तो हम इसे रशिया बोलते हैं, लेकिन अगर हम ईस्ट से बोलें तो इसे हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रशिया तो हम कहते हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा बने तो टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि ईस्ट, अगर हम ईस्ट से देखें तो रशिया को किस नाम से जाना जा सकता है, तो साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत यूनिक पॉइंट है, आपको याद रखना। ठीक, और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि रशिया से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज जो है मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट बताए हुए हैं, तो जितने भी मैंने आपको बताए एक कॉपी लेना, कॉपी में सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेना और ऐसे ही मैप बनाकर नोट करना। ठीक है, तो याद रहेगा। तो चलिए, अब अगले लेक्चर में भी हम ऐसे कोई अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।